बहुत ही मजेदार, बहुत ही इजी, मतलब वेरी लाइट और इंटरेस्टिंग चैप्टर अरिथमेटिक मीन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, पूरा ही मतलब मजेदार है। बट खेल होता है कि स्पीड का कि आप जैसे अकाउंट्स में जिन्होंने मतलब सॉरी कॉमर्स स्टूडेंट्स की बात हो रही है, जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन है ना वैसे अरिथमेटिक मीन। तो मजेदार चैप्टर है, लाइट है, मार्क्स कैरी करता है और इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है। मतलब अपने आप में चीज बड़ी सिंपल सी है बट एवरेज। अब जैसे कि आपके एक सब्जेक्ट में इतने हैं, दो सब्जेक्ट, आपकी परसेंटेज क्या है, तो परसेंटेज एक इम्पोर्टेंट फिगर होता है कि नहीं होता, तो वो अरिथमेटिक मीन, और कुछ नहीं है, वो अरिथमेटिक मीन ही है। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स इन इट्स सिंगुलर सेंस क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस। तो कलेक्शन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, प्रेजेंटेशन हमने करा नहीं, ठीक है ना, स्किप कर दिया, अभी बाद में आ जाएंगे, वो बेसिक सी चीज है। प्रेजेंटेशन का मैं मटेरियल शेयर कर चुका हूँ बट टाइम लिमिटेशन, तो मेरे को लगा कि प्रेजेंटेशन और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मेरा रोल ज्यादा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में होगा, इसलिए मैं वो करा रहा हूँ। तो प्रेजेंटेशन का भी मटेरियल ऑलरेडी शेयर्ड है, तो वो भी होगा बट सीक्वेंस में अभी वो नहीं आया, वो इसको अफेक्ट नहीं कर रहा, अफेक्ट करता तो मैं कराता भी नहीं। तो कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, फिर होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, फिर होता है एनालिसिस। एनालिसिस तो एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन के बाद भी किया जा सकता है, एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन के बाद भी किया जा सकता है, करेंगे हम, कोई गैप नहीं है, कोई गैप नहीं है। प्रेजेंटेशन का पर्पस बिल्कुल अलग है कि उसको अच्छे से ग्राफिकली डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल, मोर अट्रैक्टिव। एनालिसिस का पर्पस अलग है, प्रेजेंटेशन का पर्पस अलग है। हम किस सेगमेंट में है स्टैटिस्टिक्स में, अभी एनालिसिस में, किस में है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो एनालिसिस में क्या पढ़ रहे हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ध्यान से देखेंगे। मेजॉरिटी न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है तो क्वेश्चंस नहीं करेंगे, तो फॉर्मूला अंडरस्टैंड करने में तो 2 मिनट लगते हैं। मेन होता है प्रैक्टिस, स्पीड। इन द प्रीवियस चैप्टर्स वी हैव डिस्कस्ड हाउ द रॉ डेटा कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ टेबल्स, चार्ट्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो ऑर्गेनाइज डेटा कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है, वो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का पार्ट था। वी ऑल्सो स्टडीड दैट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेक रॉ डेटा मोर मीनिंगफुल। रॉ डेटा को अगर हम एक प्रॉपर फॉर्म दें तो इट बिकम्स मोर मीनिंगफुल, अंडरस्टैंडेबल। However, sometimes they fail to convey, they किसकी बात हो रही है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में जो हमने ग्राफ्स बनाए हुए हैं, जो हमने पाई चार्ट्स बनाए हैं, बार डायग्राम्स बनाए हैं, उनकी बात हो रही है, हिस्टोग्राम्स। समटाइम्स दे फेल टू कन्वे अ क्लियर पिक्चर फॉर व्हाट इट इज इंटेंडेड, कि भाई साहब कहना क्या चाहते हो, क्लियरली समझ नहीं आया। बट प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का पार्ट है टू मेक द डेटा मोर अंडरस्टैंडेबल, बट एट टाइम्स इट फेल्स टू मेक इट एज सिंपल एज इट इज फॉर द जनरल पब्लिक, एट इट शुड बी फॉर द जनरल पब्लिक। देयरफॉर देयर इज अ ग्रेट नीड फॉर अ सिंगल मेजरमेंट व्हिच कैन डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीरीज। सच मेजरमेंट आर कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज। इसकी कोई हर एक चैप्टर का एक प्री रेक्विजिट होती है कि ये चैप्टर करने से पहले आपको क्या आना चाहिए, ये चैप्टर करने से पहले आपको बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा आना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में हमने पढ़ा था इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है, कंटिन्यूस सीरीज क्या होता है, लेस देन सीरीज क्या होता है, मोर देन सीरीज क्या होता है, इंक्लूसिव मेथड क्या होता है, एक्सक्लूसिव मेथड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये है प्री रेक्विजिट अपना एनालिसिस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करने का। तो आई होप ये सब आपको ऑलरेडी आता है, नहीं भी आता तो ये हाफ एन आवर का काम है। मतलब प्लीज आफ्टर द क्लास एनी टाइम टुडे टुमारो वो जरूर ढंग से रिवाइज कर लेना, ताकि आपको प्रॉपर डेफिनेट, जनरल तो सबको ही आता है ना, जनरल तो सबको ही आता है, 9 10 में भी आपने कुछ ना कुछ ऐसा करा ही होगा। जनरल में मार्क्स नहीं मिलेंगे, जनरल के मार्क्स नहीं मिलेंगे, यू हैव टू बी स्पेसिफिक। फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी एरे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टैलीमार्क्स क्या होते हैं, प्लीज यार ये टर्मिनोलॉजी स्ट्रॉन्ग पर्पस ही ऑर्गेनाइजेशन में मैंने, वरना मैंने बताया ना कि ये चैप्टर ऐसा है कि मैं नहीं भी कराऊंगा ना तो आप कर लोगे, लेकिन करा इसलिए रहा हूँ ये बताने के लिए कि ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का प्री रिक्विजिट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा की टर्मिनोलॉजी, ठीक है, हेल्प करेगी आपको। क्या होती हैं ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? इट इज अ सिंगल वैल्यू, इट इज अ सिंगल वैल्यू व्हिच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन एंटायर सेट ऑफ डेटा। फॉर एग्जांपल, एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव फिगर। एवरेज हाइट क्या है क्लास की? 5 6। तो एवरेज वो एक क्लास के एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एवरेज मार्क्स क्या है? 75%। तो वो क्लास एवरेज की, किसी के 90 भी होंगे, किसी के 50 भी होंगे, तो एक एवरेज आ गए कहीं पे। एक सिंगल वैल्यू जो एंटायर डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट कैन बी एवरेज हाइट, एवरेज मंथली वेजेस ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री एंड सो ऑन। इट इज अ टिपिकल वैल्यू टू विच मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फॉल क्लोजर देन टू एनी अदर वैल्यू। मतलब वो एक वैल्यू होती है कि ज्यादातर डेटा उसके अराउंड स्कैटर्ड होता है। ड्यू टू दिस रीजन इट इज कॉल्ड द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, द सेंट्रल मोस्ट वैल्यू, और एवरेज और मेजर ऑफ लोकेशन। एवरेज एवरेज इज ऑक्यूपाई एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन स्टैटिस्टिक्स एंड मेनी अदर टेक्निक्स डिपेंड ऑन इट। द फॉलोइंग थ्री प्रिंसिपल मेजर्स आर वाइडली यूज, हमारे कोर्स में तीनों ही हैं, अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। एवरेज क्या है, मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कोई डाउट? क्या क्या हमने कवर करने हैं? अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। कोई मैथमेटिकल एवरेज होगी, कोई पोजिशनल एवरेज होगी, वो सब हम एक एक करके अंडरस्टैंड करेंगे। तो मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी।